हाँ दोस्तों, यह बारह मासी आम है, यानी बारहों महीने आम सीजनल फल के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन यह बारहों महीने चलता है। इस तरह के तमाम आम लगाया है जिस शख्स ने, उनके साथ में हूँ और मिलवाऊँगा, बात कराऊँगा। उसके पहले बता दूँ कि वह एक फ्रीडम फाइटर के लड़के हैं और ऐसा पर्यावरण पोषित जीवन जिसको जानकर आप झूम जाएंगे। श्री जगदीश शरण जी, जिनका अभिनंदन है हमारे चैनल पर, नमस्कार। सर, आप तो टीचर रहे हैं, आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे और कई सत्र निर्विरोध ग्राम प्रधान रहे। मैं देख रहा हूँ कि सर्वाधिक यहाँ आम से लेकर के अमरूद यह सब तो है ही है, बेल है, लेकिन नीम आपने सैकड़ों की संख्या में लगाया है। और पहले इस आम के बारे में आप बताएं। ये तो बारहमासी आम है सर। हाँ, पहले तो पता नहीं था, तो पिछली साल हमने जब ये टूटे ही नहीं जी, तो ये कार्तिक या आघन में टूटेंगे। अच्छा। हाँ, और हमने पहले कुंवारी में तोड़ लिए थे। अच्छा। अब ये निश्चित है कि कार्तिक या आघन में टूटेंगे। अच्छा, गिरेगा भी नहीं आंधी वगैरह से? आंधी पांधी में भी नहीं गिरेगा, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इनको अब हम लोग छोड़ देते हैं झूलते हुए अपने मौज में और फिर आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ रहिए और इस समय हम आए बुंदेलखंड की धरती पर। इधर आप देख रहे हैं लाइन से पपीता लगे हुए हैं दोनों तरफ और बीच में सड़क बनाई गई है। इधर एक तालाब का निर्माण कराया गया है। इस तरफ आप बेल के वृक्ष देख रहे हैं, इधर सागौन है, उधर अमरूद है, पपीता है और अनेक तरह के वृक्ष हैं। इधर जामुन है और इधर जिस वृक्ष की बात मैं कर रहा था उसे दिखा रहा हूँ। इधर भी आम है और यह मौसमी है। देखिए, पूरी तौर पर पर्यावरण का आप आनंद ले रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं, हमारे कैमरामैन, उनसे मैं चाहूँगा कि आगे दिखाते चलें और हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी आम है और इधर बेर है। सर, बेर का क्या अभिप्राय है? इसका भी अपना जीवन है और इसका भी अपना जीवन है। अभी हमारे पास बहुत सारे बेर रखे हैं। अच्छा, आपको खिलाऊंगा अभी। आइए दोस्तों, वाह वाह वाह, देखिए यह कितना अच्छा लग रहा है। एक खूबसूरत नीम, छोटा सा लेकिन कितना प्यारा है, देखने पर आपको महसूस होगा। आप इधर भी देख रहे हैं और हम आज पौधरोपण भी करेंगे। दोस्तों, मैंने बताया भी है कि जिन लोगों ने देश में काम किया है, चाहे वह किसी प्रदेश के हों, किसी गाँव में हों, जिन लोगों ने पर्यावरण का काम किया है, उनका वेलकम करेंगे, जा करके वहाँ मत्था टेकेंगे और यह कहेंगे कि इस बंदे ने कहा नहीं है, करके दिखाया है। तो आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले लिए जी। जी, अब आप बोर्ड रखते हैं गाड़ी में जी, जी, जी। और जा करके कहीं भी पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को। एक आवासीय विद्यालय भी है, पिताजी का नाम था पंडित दीनदयाल, दिनों के दयाल थे, फ्रीडम फाइटर थे और कई सत्र ग्राम प्रधान रहे। तो आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया और एक आवासीय विद्यालय भी है पंडित दीनदयाल के नाम से, पंडित दीनदयाल इंटर का। तो दोनों नाम चल जाएगा, एक पंडित दीनदयाल वो भी थे जी जी, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। अच्छा जी, और मेरे पंडित दीनदयाल मिश्र थे। अच्छा, और फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर थे। हाँ, तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा बने रहिए और आपको लगेगा कि यार हमने भी ऐसा काम अगर किया होता, हमारे पास भी जगह है, तो सचमुच पर्यावरण का कितना आनंद लेते हम लोग। देखिए, आप इधर देखते रहिए, यह दोनों तरफ नीम लगाई गई हैं, इनका आप आनंद ले रहे हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं और इधर आप देखेंगे, चूंकि सूर्य की रोशनी, उधर जाइए आप, इस तरफ रुख करिए। हाँ, देखिए, दिखाते चल रहे हैं, यह नीम है और इस पर से सर दातून वगैरह तो तोड़ते नहीं होंगे? नहीं, इसकी बिल्कुल नहीं, नहीं तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हैं। हमारे वरिष्ठ मित्र हैं कमल टावरी। कमल टावरी साहब भारत सरकार के सेक्रेटरी रहे। मैंने तो आपका वीडियो देखा। अच्छा, देखा है। अब देखिए, बुंदेलखंड में हम हैं और हमीरपुर में हैं। ये गांव कौन सा है सर? ये चिकासी गांव है। चिकासी गांव है। तो देखिए, कमल टावरी साहब ने कहा कि दांतों की सफाई नीम की पत्ती से, नीम की पत्ती यहाँ से एक तोड़ते हैं, यहाँ से एक तोड़ते हैं, उसको ऐसे करके और दांतों से ऐसे 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 कुपट के और फिर ऐसे नीम की पत्ती से दातून करते हैं और जिभ भी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा लकड़ी नहीं, नीम की पत्ती। यहाँ बगल में आपने सागौन भी लगा दिया है जी, जी। मतलब दोनों, नीम भी और सागौन ऊपर चला जाएगा और नीम जी। तो यह भी है, देखिए इधर कटीले तार लगे हैं और नीम है। आगे बढ़ते हुए मैं दिखा देता हूँ, सड़क के किनारे तो बहुत सी नीम लगाया है इन्होंने। यह है पर्यावरण का जीवन,
जिन्होंने पर्यावरण के साथ अपने आप को, यह बेर है, ये कौन सा जंगली बेर है, जंगली बेर है, इसका भी बड़ा मौज है और यह पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। इधर अशोक है, अशोक भी ऑक्सीजन देता है। तो दोस्तों, अब हम कुछ बड़े नीम के पास चलते हैं। इसे आप देख रहे हैं, आप पक्षियों का कलरव, और गौरैया भी यहाँ आती हैं। ये आँख है, आँख बड़ा काम का है, आँख मदार और इसको कई चीज़ें हैं। यह जहर भी है और इसका फूल भगवान शिव को चढ़ता है। एक बार इसे देखिए, शिव को चढ़ता है। इसका पत्ता भी लगाया जाता है नीचे, पैर के नीचे, तो डायबिटीज़ के लिए भी फायदा रहता है और मोटापा कम होता है। आप तो सर ठीक हैं, कहीं पेट उट नहीं है और ऐसे। और यह शानदार लुक आप देख रहे हैं। इधर देखिए, जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी इधर भी नीम आप देख रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं। तो यह सब सर ने लगाया है। यह देखिए जामुन है इधर, और उस तरफ आंवला है, आंवला और जामुन देखिए यह है। और इधर नीम देखिए। अब एक बार छाया में आकर के हम लोग बात करते हैं, इसके बाद पौधरोपण करेंगे। हमारे आने की सूचना थी तो सर ने कुछ पौधे मंगवाया है और जिसे हमें लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्या यह नहीं लगता है कि एक ही बिरवा हम लगाएंगे सर जी? अपने पास एक ही की औकात है तो एक ही लगाएंगे जी, जी। अब सवाल और नज़दीक आ जाए, और सवाल इस बात का है, लोग कहेंगे साहब हमारे पास तो जगह नहीं है, हम क्या करें? तो बहुत सी जगह है, सड़क के किनारे है। हमारे एक वरिष्ठ अग्रज जिन्हें हम कहेंगे, हमारे यहाँ डीएम थे रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, 2-3 महीने पहले उन देहावसान हो गया उनका। लखनऊ में भी डीएम थे, कमिश्नर थे कुछ स्थानों पर। तो उन्होंने गोमती नगर में उन्होंने कुछ नीम लगाया, तो नीम को लोग तोड़ना शुरू किए। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने लिखा, एक जैसे उसको घेरा था, ट्रीगार्ड लगाया था, उस पर लिखा मैं आपकी बेटी हूँ। फिर उन्होंने बताया कि इसका चमत्कारिक परिणाम आया और फिर लोगों ने उसे तोड़ना खत्म कर बंद कर दिया। तो इस तरह से आप नीम देखें, और यहाँ बेर वाला सेब भी है, उसे भी हम लोग देखेंगे, पौधरोपण करेंगे। इधर का नीम आप देख रहे हैं। तो एक तो देखिए ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, बरसात नहीं होती है यहाँ, बहुत कम बरसात होती है। एक तो पहाड़ों को यहाँ माफियाओं ने तोड़ डाला, दूसरा विषय कि वृक्षों को काट डाला, नए वृक्ष लग नहीं रहे हैं। तो ऐसे पर्यावरण प्रेमियों ने तय किया है कि हम पर्यावरण को सजाएंगे। क्या कहना है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सर ये कहता हूँ, ये यदि आप साक्षात ईश्वर को देखना चाहते हैं, हाँ, तो ये साक्षात ईश्वर हैं। वाह, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी देते हैं, प्राणवायु भी देते हैं, और यदि अभी इनको ये पैसा भी दे सकते हैं, बहुत सारा पैसा भी देते हैं, तो इनसे तो मुझे तो अच्छा, एक बार आपने फोन किसी का आया था तो आपने कहा कि हम जल दे रहे हैं जी, जी, जी। तो बेटी को आश्चर्य हुआ कि तो नास्तिक है, इनको नास्तिक के रूप में लोग जानते हैं। 6 महीने पहले की बात है सर, हाँ। मेरी बेटी है प्रतिमा, हमीरपुर में है जी, तो ब्याही है उधर जी। तो उसका फोन आया, पिताजी क्या कर रहे हैं? सुबह मैं पानी डाल रहा था इनमें, तो मैंने कहा बेटा और मैं भगवान को जल चढ़ा रहा हूँ। बोले पिताजी क्या कह रहे? सही में तेरी कसम बेटा, मैं भगवान को जल चढ़ा रहा हूँ, और मेरा भगवान थोड़ा दुनिया के भगवान से अलग है। मेरा भगवान रोज बढ़ता है, मेरा भगवान ऑक्सीजन देता है, जरूरत पड़े पर पैसा भी देता है मेरा भगवान। तो मैं उसके पिताजी अच्छा पानी पेड़ों में डाल रहे, मैंने कहा मेरा भगवान जाति नहीं देखता, जो नीचे आएगा सबको छाया देगा, फल देगा, सभी को बिना किसी भेदभाव के ऑक्सीजन देगा, और वही पानी भी बरसाएगा, वही पानी बरसाएगा सूखी धरती को, वही 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 उसी। अच्छा सर, मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ कॉलेज में, मैंने कहा चाचा जी बताओ बेटा, यदि आपके पूरी धरती में एक भी मंदिर ना हो तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? तो बच्चे बोलते, या कोई भी बोलेगा कि नहीं। और मैं कह दूँ यदि एक भी मस्जिद ना हो पूरे देश में तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? तो कहे नहीं, उसका उत्तर है नहीं। और यदि एक भी पेड़ ना हो पूरी धरती में तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? निश्चित, उसका उत्तर यही है, निश्चित खत्म हो जाएगी। और पूरी दुनिया जानती है इस बात को, लेकिन इसको मानता कोई नहीं है। तो सर जैसे इसी को मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा के रूप में अगर, मैंने माना, अगर अगर महसूस किया जाए, हाँ, तो फिर हमारा जीवन कहाँ से, हमारा जीवन, हमारा देश, हमारी दुनिया, हमारी धरती, उसका अलग ही खेल। अच्छा सर, अब इधर भी गिद्ध नहीं है ना? नहीं, गिद्ध नहीं, एक भी नहीं। आप तो देखे होंगे गिद्ध,
कैसे होते थे? नहीं, बहुत बड़े बड़े होते थे बहुत, और वो ऐसा कहते थे कि ये सफाई कर्मी है हमारे। सफाई कर्मी, वाह वाह, प्राकृतिक पर्यावरण के पोषण करने वाले थे। अब वो खत्म हो गए। हमारे यहाँ एक वाराणसी में चंद्रशेखर मिश्र थे, कवि थे, तो उन्होंने कविता में दो लाइन मुझे याद है। एक लाइन उन्होंने कहा कि नारी के लाज बचावे के खातिर भारत में गिधौ मर गई ना, मतलब जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है औरतों के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अब गिद्ध भी नहीं रहे जो जानकी सीता की जान बचाएंगे, लाज बचाएंगे। तो एक करारा प्रहार था उनका। तो धीरे धीरे कौआ भी खत्म हो गया, कौआ भी खत्म हो गया, गौरैया भी खत्म हो रही है, गौरैया भी खत्म हो रही। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारी गौरैया हैं, चूंकि यहाँ घर बने हैं, हम उनको दाना आना भी डाल देते हैं तो वो बची हैं, लेकिन गौरैया भी धीरे धीरे। सर आपने टाइटल उटल हटा दिया, आप पिताजी मिश्रा थे आप, और आप लिखते हैं जगदीश शरण। मेरे पिताजी ने जब मेरा नाम लिखवाया था तो वो कहें कि मैंने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी वो मिश्र लिखते हैं, तिवारी लिखते हैं, मेरा भी मेरा जगदीश शरण, मेरे छोटे भाई का नाम देवी शरण, उनका नाम राम शरण, उनका नाम ओम शरण, छोटे का नाम रघुवीर शरण। तो मैंने कहा हम लोगों के अंदर आपने मिश्र क्यों नहीं लगाया? बोले बेटा अच्छा नहीं है, अच्छा ज्यादा अच्छा, गर्व करने की बात नहीं है। वाह, आज से मान लो 70 साल पहले हमारी बेटियों की बहनों के भी एक भी नाम नहीं है। अच्छा, बच्चों ने क्या किया? और फिर मैंने क्या किया? मैंने सोचा मेरे पिताजी को मैं कैसे याद करूंगा। हाँ। तो मेरे बच्चे लिखते हैं अरुण कुमार दीनदयाल, वरुण कुमार दीनदयाल। मैं प्यार करता था पिताजी से, मैं नहीं जानता था कि उनके नाम से कॉलेज भी खोलूंगा कभी, तो मैंने बच्चों को वहीं बरौली में ये नाम लिखवाया था। अब दोस्तों क्या बताएं, अब सर ने कहा तो मुझे स्मरण हो गया। मैं भी चाहता था कि हमारे बच्चे नाम कुछ जोड़ें, जैसे हमने पिताजी का नाम रख दिया ब्रजभूषण मार्कंडे है, तो हमें बहुत लोग बुलाते हैं मार्कंडे जी। आपके पिताजी का नाम था? हाँ, तो हमने ब्रजभूषण मार्कंडे। अब मैंने सोचा कि हमारे बच्चे भूषण लगाएंगे, लेकिन बच्चे तैयार नहीं हुए। हमने एक दो बार कहा तो बच्चों को ऐसे करके, तो हमने कहा ठीक है। एक ने कहा कि हमारा, हम ठीक है, हमारा भी अपना मतलब है, उनका ठीक है। एक बेटी लगाती है प्राची भूषण लिखती है, जो छोटी वाली बेटी है। तो ऐसे है, तो यह बड़ी सुखद अनुभूति का कारक है दोस्तों। यह दिखाया हमने, और कम समय में दिखाया नहीं जा सकता। इधर एप्पल भी है कहीं, किधर है, किस तरफ आप बता रहे थे? दूर है ना? चलिए एक बार हम वहाँ भी चलते हैं जहाँ, इधर भी आप देख रहे हैं देखते हुए। चलिए शीशम, सागौन और जामुन, इस तरफ भी आप देख रहे हैं। खेती बाड़ी है, इधर अरहर है। क्या है सर, अरहर है क्या है? ये सब्जी है। देखिए यहाँ यहाँ सर ने मंगवा रखा है, इन सारे पौधों को यह रोपित करवाएंगे अपने अपने देख करके। इसमें पीपल भी है, बरगद भी है, वाह वाह, बरगद भी है, पाकड़ भी है, यह सब है, इसमें लगवाएंगे। और इधर आप देख रहे हैं कि कुछ सब्जियां हैं, और इधर भी एक खूबसूरत नीम है। आज नीम का फल मैं खाया हूँ। और सर नीम का तेल नहीं पिरवाएंगे? हाँ, तेल पिरवाना है, मैंने बहुत सारी इकट्ठी करवा ली है। कुछ ऐसे ही खाते रहिए, मीठी भी लगती है, छोटे में तो खाइए। मैं खाता हूँ इसका बीज, मजा तो है। बीज भी अगर खा लिया जाए, अगर हिम्मत कर पाते हूँ तब। ये तो मीठी भी है सर। या अभी इसमें इस टाइम फल नहीं होना चाहिए, ठीक है फल बर्बाद। अच्छा एप्पल बेर है ये देखिए, एप्पल बेर है, यह बड़ा बड़ा होता है, और इसमें कांटे कम होते हैं ना, कांटे कम होते हैं। तो दोस्तों उधर भी नीम है, और आगे भी आप देख रहे हैं, और गुरुजी के नगर से इसको लोग जानते हैं। अब बसें भी रुकती हैं गुरुजी नगर। गुरुजी क्यों सर, यही है ना? तो गुरुजी के नाम से विख्यात हो गए हैं। उधर गायें हैं, जैसी गायों का, और ऑर्गेनिक है सर, पूरी तौर पर ऑर्गेनिक। कहीं इसमें मैंने 10 साल हो गया, कभी DAP यूरिया और कीटनाशक का नाम नहीं है। अभी आप कहीं खोदेंगे तो केंचुआ मिल जाएंगे, नहीं तो केंचुआ मिलते नहीं है। कहीं भी आप फाड़ा मारेंगे केंचुए मिल जाएंगे, वाह पूरी इसमें। वाह, हम किस नदी के किनारे हैं सर? बेतवा नदी। बेतवा नदी के किनारे हैं, हम उसे भी दिखाएंगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं पौधरोपण करने, जिसका फोटो हम डालेंगे। तो विनम्रता के साथ हम दोनों का, गुरुजी का और हमारा, आप सभी प्रणाम स्वीकार करेंगे। और आशा करता हूं जो जहां है
वहीं पर्यावरण के प्रति सचेष्ट होगा और अपने स्तर से नहीं कुछ बन पड़ेगा तो तुलसी ही लगाएगा। सही बात, क्यों सर? सही है, आपके यहाँ तो तुलसी भी है काफी। जी सर, यह क्या है, जामुन है क्या? ये जामुन लगी है। अच्छा, ये जामुन। जी जी जी, चलिए, विनम्रता के साथ सादर आभार, धन्यवाद, प्रणाम।